करेगा। आप बस मुझे 1% उम्मीद दे दीजिए, फिर देखिए मैं उसको कैसे 100% में कन्वर्ट करता हूं। आई प्रॉमिस, सिर्फ 1%। डैड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता, सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ज़ैन कहाँ है फ़ाद भाई? अभी तो यहीं था। मैं देख कर आती हूँ। पहले मामू पर दुआ फूंक दो, बाहर से ही सही। डॉक्टर तो अपनी कोशिश कर चुके हैं, अब एक बेटा अपनी कोशिश कर रहा है, उसका साथ दीजिएगा, उसकी दुआ कबूल कीजिएगा। सर ये नहीं, सिस्टर इन्हें यहीं बैठे रहने दीजिए, हमने अपनी उम्मीद खोई है, इन्होंने नहीं, और हम ये चाहते हैं कि ये अपनी उम्मीद कभी न खो। प्लीज आप आइए। नर्स इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, कैसे उस्मान साहब होश आ गए हैं उन्हें? इसी ओके? मैंने आपसे
और वो कब तक इस कंडीशन में रहेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ, आप उनसे वहां मिल सकते हैं। प्लीज कोई नहीं रोएगा, आज फिर मेरे आवाज लगाने पर आप लौट आए डैड, जो 1% खुदा से मांगा था वो 1% खुदा ने दे दिया, अब इस 1% को 100% बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, और इस बार आपका यह नालायक बेटा अपनी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। That's a promise, Dad. That's a promise, Dad. Mom, मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ हम डैड को कब तक यहाँ से ले जा सकते हैं। वेलकम होम डैड। हो गया, मुझे इंतजार रहेगा। डैड, मैं नहीं जानता कि आप इस घर की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इस घर का कोना कोना आपकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। साहब, तो ये बेगम ये फ्राइड पूरियां क्यों खिला रही हैं? अभी तो मुझे बहुत जीना है, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। जहन बेटे, जिंदगी में ऐसे बहुत से मुकाम आएंगे जहाँ कुछ नए लोग मिलेंगे, पुराने शायद बिछड़ जाएंगे, लेकिन जो रुक जाए उसका नाम जिंदगी नहीं। नहीं रुकेगी डैड, मैं जिंदगी को नहीं रुकने दूंगा, ये मेरा वादा है।
तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। चलो दादू को हाय बोलो। हाय दादू। हैप्पी फादर्स डे दादू। Happy Father's Day. Happy Father's Day. Dad, वैसे तो हमारे दिल हमारी जिंदगी में आपकी अहमियत किसी ऐसे दिन की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमारी जिंदगी में आपकी मौजूदगी को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और शायद आज का दिन फादर्स डे हमें यही एहसास दिलाने के लिए कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। We all love you, Dad. चलो उस्मान साहब को रूम में लेके चलते हैं। चलो वाले। रुको जैन, ये लड़की नहीं ले जाएगी उस्मान साहब को अंदर। फहद, तुम और जैन ले जाओ उन्हें। मामू की खबर मिली तो मैंने यहां ले आया। उस्मान साहब को अंदर ले जाते हैं। सैन, तुम अपने ससुराल वालों को अटेंड करो। मम्मी प्लीज रोना बंद कीजिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जैन,
तुम्हारी अम्मी किसी बात पर हम सबसे क्यों खड़ी हुई है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं बड़ी पुप्पी, वो बस डैड की तबीयत को लेकर थोड़ी ज्यादा परेशान है, और कुछ नहीं। आप लोग आराम कीजिए, जैन को ऑफिस जाना है। ऑफिस? ऐसे हालात में? हालात बुरे हैं बड़ी पुप्पी, इसलिए तो हालात को अब ठीक करना है। डैड अब घर आ चुके हैं, उनके आसपास की जिंदगी जितने नॉर्मल तरीके से जी जाए उनके लिए उतना ही अच्छा। माहौल पॉजिटिव होना चाहिए ताकि उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। चलें। जैन, आलू। मैंने अम्मी को अभी तक कुछ नहीं बताया कि मामी ने मुझे घर से, इसलिए प्लीज तुम लोग भी जाहिर मत होने देना। एक आध दिन की बात है फिर तो हम यहां से चले जाएंगे। जुबैर, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं ट्रेन पे चढ़ा था तो कील लग गया। मैं लाराका से कहकर दवा बिछवाता हूँ। अल्लाह, कितने बेशरम लोग हैं। सॉरी मम्मी, मैं ये कह रही हूँ कि कितने बेशरम लोग हैं, इतनी जिल्लत करने के बाद भी इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैन भी इन लोगों के काबू में है, देखिए ना, पापा की दिमागदारी छोड़कर उनकी खिदमत में लगा है। उस दिन उस्मान साहब ने मुझसे बात भी नहीं की इस लड़की की वजह से। ये ऑफिस जाना भी नहीं चाहते थे उस दिन, लेकिन गए सिर्फ इस लड़की की वजह से। यही तुम्हें कहने की कोशिश कर रही हूँ मम्मी, कि इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज करके जैन उन लोगों के पास गया है उनकी खातिरदारी करने। मामू की रिपोर्ट्स आ गए। डैड को एक एक्सरसाइज दोपहर को कराना और एक शाम, और ये दवाइयां को दिन में 3 बार दे देना। खाने में सिर्फ लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली। सब हो जाएगा सर। क्या तुम जानते हो, अगर मामू को किसी ने बचाया है तो वो है तुम्हारी दुआओं ने, तुम्हें उनकी सबसे बड़ी दवा। इसलिए जितना हो सके वक्त उनके साथ बिताना, दिन का आगाज उनके साथ करो और रात खत्म उनके साथ, उन्हें अच्छा लगेगा। क्या हुआ?
हमेशा ऐसे ही रहोगी ना मेरे साथ, मुझे सही और गलत की पहचान करवाने, मेरी रहनुमाई के लिए। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं चाहोगे तो भी यही मंडराती रहोगी तुम्हारे इर्द गिर्द।